वैसे तो आप सभी लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया भर में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के संस्थापक और सीईओ से भी अधिक अमीर व्यक्ति हमारे इतिहास में मौजूद है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल 14वीं सदी में अफ्रीका का एक राजा हुआ करता था जिसकी संपत्ति के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता था। उसका नाम था मंसा मूसा। उसने नमक और सोने का कारोबार करके अपनी कुल संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी की थी। तो चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। दुनिया के सबसे धनवान शख्स की कहानी जिसका इतिहास में दर्ज है नाम मंसा मूसा का जन्म 1280 में शासक परिवार में हुआ था। उनकी संपत्ति 23,34,200 करोड़ रुपए थी। मूसा इतिहास के सबसे उदारवादी राजाओं में से एक थे। जहां जाते लोगों को देते थे भारी सोना। मूसा नमक और सोने का कारोबार करते थे जिसकी दौलत के आगे जेफ बेजोस जैसे लोग कुछ भी नहीं है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले माली साम्राज्य के राजा मूसा ने साल 1312 और 1337 तक शासन किया। भाई अबू बकर ने 1312 तक शासन किया जब समुद्री अभियान से लौटने में वो असफल रहा। उस बीच मंसा मूसा को मिला साम्राज्य। उस समय माली साम्राज्य के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग आधा हिस्सा था जिस पर शासक मूसा का कब्जा था। सोने और अन्य सामानों का व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्र मंसा मूसा के ही राज्य में थे। प्राप्त दस्तावेजों के अभाव में मूसा के पास इतना धन था कि इसका उचित अंदाजा लगा पाना थोड़ा कठिन है। दुनिया उनकी दौलत से उस समय परिचित हुई जब उन्होंने 1324 में मक्का की यात्रा की। उस सफर में उनके साथ 10,000 सैनिक और बड़ी मात्रा में सोने की मोहरें और ईंटें थी। मक्का की यात्रा के दौरान मूसा रास्ते में जनता को सोना बांटते हुए जा रहे थे। मूसा खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और उसने टिम्बक्तू की सूरत भी बदल दी थी। मूसा के उपहारों की वजह से पूरे 10 साल तक मिस्र में सोने की कीमत सस्ती रही और उसे 100 अरब से ज्यादा हुआ आर्थिक नुकसान। मूसा ने ही पश्चिमी अफ्रीका में शिक्षा की परंपरा शुरू की। साहित्य, स्कूल, पुस्तकालय और मस्जिदों के लिए वित्त पोषित किया। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया और 1332 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सत्ता बेटे मंसा मेघान ने संभाली। लंबे सिविल वॉर और विदेशी हमले के चलते कारोबार हुआ तबाह और दौलत हुई खत्म। इंस्टाफीड।